हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज का पार्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 14 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और कोशिश करेंगे कि तमाम सवाल को हम मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 351, इससे पहले के 350 MCQs सबका पार्ट्स में मौजूद हैं। नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय, 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसकी मेजबानी इंडिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 352, हु इज करंट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर कानून है, वफाकी वजीर कानून, वो फरोग नसीम है। फरोग नसीम 24 जुलाई 2020 से बतौर वफाकी वजीर कानून पाकिस्तान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 353, हु इज करंट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली, सिंध असेंबली के जो मौजूदा स्पीकर हैं वो आगा सिराज दुरानी है। आगा सिराज दुरानी 31 मई 2013 से बतौर स्पीकर सिंध असेंबली खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये सिंध असेंबली के 15वें स्पीकर हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 354, हु इज करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर CM का नाम अब्दुल कदूस बजीन जो है, ये बलूचिस्तान के 22वें चीफ मिनिस्टर हैं। ये 29 अक्टूबर 2021 से बतौर वजीर आला बलूचिस्तान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 355, व्हाट इज कैपिटल ऑफ सिंध, सिंध का कैपिटल क्या है। सिंध का कैपिटल जो है वो कराची है। व्यूअर्स, ये चारों सूबों के कैपिटल और पाकिस्तान का कैपिटल, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान का कैपिटल आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद है। इसके अलावा पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है। KPK खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल पेशावर है और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो क्वेटा है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप वायरलेस ऑपरेटर की इस सीरीज को बजरिया डाक नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे नोट कर लें। इस नंबर पर कॉल करें और बजरिया डाक वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स घर बैठे मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 356, NTFS स्टैंड्स फॉर, NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। व्यूअर्स, ये जो NTFS है इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने मुतारिफ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 357, सिम स्टैंड्स फॉर, सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम कार्ड के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो हम अक्सर मोबाइल्स में यूज करते हैं, मोबलिंग, वारिद, यू फोन, टेलीनॉर वगैरह की जो सिम्स होती हैं, ये उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला जो सिम कार्ड था ये जर्मनी की एक कंपनी थी जिसका नाम था गैजिक एंड डेवरियंट, इसने 1991 में मुतारफ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 358, विच कंट्री हैज बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। व्यूअर्स, 2022 के सर्वे के मुताबिक जो सबसे बड़ी आर्मी है, फौज है, वो चाइना के पास है। दूसरे नंबर पर जो बड़ी आर्मी है वो इंडिया के पास है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी आर्मी जो है वो USA की है। चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो है वो नॉर्थ कोरिया की है। पांचवें नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी फौज रशिया रूस की है और पाकिस्तान की जो आर्मी है ये दुनिया में छठे नंबर पर सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे बड़ी फौज है। क्वेश्चन नंबर 359, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ क्यू, क्यू का सिनोनिम मुतरादिफ पूछा गया है। क्यू का मतलब होता है कितार, इसका जो मुतरादिफ है इन चारों ऑप्शंस में वो ऑप्शन बी है, लाइन। लाइन का मतलब भी कितार है और क्यू का मतलब भी कितार है। क्वेश्चन नंबर 360, व्हाट इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो ढाका है। ढाका को 1971 में बांग्लादेश का कैपिटल बनाया गया। बांग्लादेश जो है ये 8 डिविजन्स पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मेन पॉइंट नोट कर लें, आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें चाहे वो किसी भी पोस्ट के हैं, हर पेपर में 2-3 ममालिक के कैपिटल्स दारुल हुकूमत का लाजमी पूछा गया है। इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन पर क्लिक करें, यहाँ से आपको
कैपिटल्स एंड करेंसीज के नाम से एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को लाजमी तैयार करें। इस वीडियो में उन तमाम ममालिक को डिस्कस किया गया है जिनके कैपिटल्स पूछे गए हैं और उन तमाम करेंसीज को भी डिस्कस किया गया है जो सबका पेपर्स में बार बार दोहराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 361, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडीज, इंसानी जिस्म में जो सबसे ज्यादा आंसर पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। बेसिकली इंसानी जिस्म के अंदर 6 किस्म के अनासिर पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस शामिल हैं। लेकिन इन 6 के 6 अनासिर में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आंसर है वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 362, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज, 9 के जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं उनकी एवरेज 27 है। अब यहाँ पर समझें कि मल्टीपल्स क्या होता है। आप 9 का टेबल पढ़ें या उर्दू में जिसे 9 का पहाड़ा कहते हैं, 9, 18, 27, 36, 45, ये इसी तरह आगे चलता जाएगा। ये पहले 5 मल्टीपल्स हैं 9 के। आप सबसे पहले इन्हें जमा कर लेंगे और इन्हें गिनती करेंगे कि ये कितने मल्टीपल्स हैं। जाहिर सी बात है ऊपर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फर्स्ट 5, इसका मतलब है कि ये 5 मल्टीपल्स हैं। आप इन्हें जमा करेंगे और 5 से तकसीम कर देंगे, जो जवाब आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27 इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 363, देर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ 10th क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 36 एंड 44 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। इफ एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40 किलोग्राम एंड सेक्शन बी इज 35 किलोग्राम, फाइंड द होल क्लास एवरेज वेट। इसी क्वेश्चन को मैं अब उर्दू में रिपीट करने लगा हूं, समझिएगा। एक क्लास है, उस क्लास के 2 सेक्शन हैं, यानी कि एक क्लास को 2 सेक्शन में तकसीम किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें 36 तुलबा हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं, जबकि सेक्शन बी में 44 स्टूडेंट्स हैं। ये बताएं कि अगर सेक्शन ए, उसका एवरेज वेट, सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका एवरेज वेट 40 किलोग्राम हो और बी सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, 44 स्टूडेंट्स हैं जैसा कि क्वेश्चन में ही बताया गया है, बी सेक्शन के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 35 किलोग्राम हो, तो ये बताएं कि ओवरऑल, यानी कि पूरी जो क्लास है 10th क्लास जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी शामिल हैं, ये बताएं कि पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। इसका एवरेज वेट 37.25 किलोग्राम होगा। लेकिन ये किस तरह से है, शॉर्ट डिटेल में देखें। सबसे पहले तो ये देखें कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास 10th के कितने हैं। सेक्शन ए में 36 तुलबा हैं और सेक्शन बी में 44 हैं। आपने ये देखें, यहाँ पे इन्हें जमा कर लिया, टोटल जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो 80 हैं। अब इसके बाद इनका वेट जो है वो आप निकाल लें। जो सेक्शन ए है उसमें 36 स्टूडेंट्स हैं, ये देखें क्वेश्चन में दिया गया है, और सेक्शन ए में जो एवरेज वेट है वो 40 किलोग्राम है। 36 को 40 से मल्टीप्लाई करना है आपने, और 44 को जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी के, उसे 35 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास 2980 किलोग्राम टोटल वजन आ जाएगा। यानी कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो एवरेज वेट है वो 2980 किलोग्राम है। 2980 को आप 80 से डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे, ये देखें यहाँ पे एवरेज वेट इज इक्वल टू 2980 डिवाइडेड बाय 80। 2980 को जब आपने एवरेज वेट को, टोटल एवरेज वेट को, क्लास ए एंड क्लास बी के वेट को आपने जमा कर लिया और उसे टोटल स्टूडेंट्स पर आपने डिवाइड कर दिया, 37.25 इसका आंसर आया है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें लाजमी रिपीट करें, उन्हें लाजमी आप रिवाइज करें, लाजमी उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को किसी भी सूरत में पेपर में हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रैक्टिस करें, और इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 3-4 वीडियोस मजीद बता रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन के अंदर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड 3-4 वीडियोज रख रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, इन्हें लाजमी देखें, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालों को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है। ई टेस्ट वेबसाइट को ओपन करें, इसमें वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट में जाएं, वहां पे आपको वायरलेस ऑपरेटर के तमाम
मौजूदा और साबका करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। जितने भी पेपर्स, जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। क्वेश्चन नंबर 364 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूरा ऑफ कुरान स्टार्ट्स फ्रॉम मुकत्ता। हरूफ मुकत्ता से कुरान मजीद की कितनी सूरा स्टार्ट होती है? वीवर्स, कुरान मजीद में 29 सूरा ऐसी हैं जो कि हरूफ मुकत्तात से स्टार्ट होती हैं। हरूफ मुकत्तात आपके सामने लिखे हुए हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, ये तमाम जो हैं ये हरूफ मुकत्तात हैं। ये हरूफ मुकत्तात ऐसे हरूफ हैं कुरान मजीद के जिनका मतलब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 365, हाउ मैनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त कितने दरिया मौजूद हैं, कितने दरिया बहते हैं? रिवर्स, पाकिस्तान में इस वक्त कुल 24 दरिया बहते हैं। इन 24 दरिया की तफसील आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दर्ज है। व्यूवर्स, बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान में कुल बहने वाले दरिया पूछे गए हैं, बहुत से पेपर्स में पंजाब, किसी में केपीके, किसी में सिंध और किसी पेपर में बलूचिस्तान के दरिया पूछे गए हैं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे। नंबर वन, पाकिस्तान में बहने वाले दरिया जो है उनकी तादाद 24 है। पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, सिंध में 4 दरिया बहते हैं, बलूचिस्तान में 7 दरिया बहते हैं और केपीके खैबर पख्तूनख्वा में बहने वाले दरियाओं की तादाद 8 है। ये आप टोटल ये फिगर जो है याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पेपर से हट के भी रोजमर्रा जिंदगी में भी जनरल नॉलेज के तौर पे आना चाहिए। बहुत ही अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 366, फर्स्ट ऑफिशियल मैप ऑफ पाकिस्तान वॉज ड्रॉन बाय। पाकिस्तान का जो पहला मैप है, जो ऑफिशियल मैप सरकारी तौर पे जो नक्शा जारी किया गया पाकिस्तान का, उसे महमूद आलम सुहरावर्दी, ये मियां महमूद आलम सुहरावर्दी ने इसे डिजाइन किया था, इसे बनाया था, इस नक्शा को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 367, श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भुटाई इज लोकेटेड इन। शाह अब्दुल लतीफ भुटाई ये एक सिंधी के मशहूर शायर थे। इनका मजार, इनका मकबरा मतियारी में है। मतियारी ये सूबा सिंध का एक जिला है, मतियारी। उस जिले के अंदर एक जगह है, एक कस्बा है भीटशाह, वहां पर शाह अब्दुल लतीफ भुटाई का मजार मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ भुटाई 1689 को पैदा हुए थे और 1752 को इन्होंने वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 368, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिवाइज टू पैसिवाइज। सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, इसे आपने पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। जब आप इसे पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये इसका करेक्ट पैसिवाइज बनेगा, उसकी तरफ से एक खत लिखा गया। व्यूअर्स, ये जो एक्टिवाइज हैं, पैसिवाइज हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज से रिलेटेड क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। इसलिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज के कंसेप्ट को क्लियर करें। इसे क्लियर करने के लिए एक सिंपल सी वीडियो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो कि इस आई बटन में रख रहे हैं, क्योंकि हम इस सीरीज को हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में क्लोज कर दें। इसलिए तमाम अहम वीडियोज आपको आई बटन में रख दी जाएंगी, आई बटन में दे दी जाएंगी, ताकि आप उनसे मजीद प्रैक्टिस कर सके। इसलिए इस आई बटन वाली वीडियो को लाजमी देखें, ताकि एक्टिवाइज और पैसिवाइज के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 369, दी पुलिसमैन डैश इन दिस स्ट्रीट। इस गली में पुलिस गश्त कर रही है। व्यूअर्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, खाली जगह में इज पेट्रोलिंग आएगा। इस गली में पुलिस गश्त कर रही है, ये हमें इस तरह पता चला कि इस सेंटेंस में इज का इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगी है वर्ब के साथ। अगर आप उर्दू में सेंटेंस देखें तो इसमें कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, ये जो तमाम जो इसके साइंस हैं सेंटेंस के, ये बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 370, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पार्क है वो अयूब नेशनल पार्क है। इस पार्क को अयूब पार्क भी कहा जाता है। ये अयूब नेशनल पार्क जो है ये रावलपिंडी में, जेहलम रोड पर रावलपिंडी में वाकया है। इस पार्क, अयूब नेशनल पार्क का पुराना नाम टोपी रख पार्क था, जिसे बाद में अयूब खान के दौर में तब्दील करके अयूब नेशनल पार्क कर दिया गया। अयूब नेशनल पार्क 313 acres पर मुश्तमिल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 371, सबर के लघवी मायनी क्या है।
सबर के लघवी मायने हैं रोकना। वीवर्स इसके अलावा बहुत से पेपर्स में रोजा के लघवी मायने भी पूछे गए हैं। रोजा के जो लघवी मायने हैं वो है रुक जाना, रुकना। सवाल नंबर 372, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से पेपर्स में आया है। अगर आप ये कहें कि 99% पेपर्स में आया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा पेपर्स में आया है कि 90% क्या हम 100% भी कह दे को तो ठीक होगा। ये बहुत से पेपर्स में और बहुत से इंटरव्यूज में पूछा गया है। अगर आप साहब का इंटरव्यूज उठा लें, तकरीबन 100% इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गुसल के कितने फ्राइज हैं। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में, इंटरव्यूज में गुसल के बारे में पूछा गया है, और बहुत से इंटरव्यूज में और बहुत से पेपर्स में वजू के बारे में पूछा गया है। गुसल के 3 फ्राइज हैं और वजू के 4 फ्राइज हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो भूल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो गुसल की बजाय वजू के फ्राइज बता देते हैं और वजू की बजाय जो है वो गुसल के फ्राइज बता देते हैं। नोट कर लें, गुसल के 3 फ्राइज हैं। नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ये जो आपको बताया गया है ये तमाम गुसल के फ्राइज में आता है। अब आते हैं वजू के फ्राइज। वजू के 4 फ्राइज हैं, जिसमें नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 बाजू कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 1/4 सर का मसा करना, नंबर 4 पांव टखनों समेत धोना। वीवर्स, ये दोनों एमसीक्यूज जो हैं, ये दोनों मेन पॉइंट्स, गुसल के फ्राइज और वजू के फ्राइज, ये लाजमी याद करें हर सूरत में, क्योंकि हो सकता है अगर ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट ना हो तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 373, सवाल नंबर 373, अशरा मुबशरा में कितने सहाबा कराम शामिल हैं। अशरा मुबशरा में 10 सहाबा कराम शामिल हैं। अशरा मुबशरा से मुराद ऐसे 10 सहाबा कराम हैं जिन्हें उनकी जिंदगी में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी। वो 10 सहाबा कराम जो अशरा मुबशरा में शामिल है, उनके नाम आपके सामने मुख्तसर तफसील में लिखे हुए हैं, नोट कर लें, याद कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिंदगी में बार बार काम आएगा आपके। इनमें अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो, साद रजी अल्लाह ताला अन्हो, सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 374, सवाल नंबर 374, आदम अलैहिस्सलाम का लकब क्या है। आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में चंद अलकाबात रिपीट हुए हैं, दोहराए गए हैं, वो नोट कर लें। नूह अलैहिस्सलाम का लकब अबुल बशर सानी या आदम सानी है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। ये अलकाबात लाजमी याद करें। साबका पार्ट्स में भी हमने चंद टाइटल, चंद अलकाबात जो हैं वो आपको बताए थे। ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 375, सवाल नंबर 375, बैते रिजवान कब हुई। बैते रिजवान जो है ये 6 हिजरी को तय पाई। वीवर्स, बैते रिजवान है क्या। बैते रिजवान का एक मुख्तसर तारुफ है, ये याद कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफीर बनाकर मक्के भेजा। जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का गए तो मक्का के लोगों ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को हीले बहाने बनाकर कुछ टाइम के लिए रोक लिया, यानी कि उन्हें लेट कर दिया। वो लेट हो गए तो एक अफवाह फैली कि मक्का वालों ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से एक बैत ली जिसे बैते रिजवान का नाम दिया गया। ये बैत जो है ये 6 हिजरी को ली गई। ये एक दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और कुछ रवायात में मिलता है कि 1400 सहाबा कराम थे, कुछ में 1500, यानी कि 1400-1500 सहाबा कराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे बैठकर बैत ली। और बैत इस तरीके से ली गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख कर 1400-1500 सहाबा कराम ने बैत की। और ये इस तरह का मामला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के नीचे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना हाथ रखा, यानी कि इंडिविजुअल हर सहाबी से बैत ली गई
कि हम उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत का कत्ल का बदला लेंगे। ये बैत रिजवान का एक मुख्तसर सा तारुफ था ताकि आपको पेपर से हट के भी पता हो कि बैत रिजवान क्या थी। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज के 16 पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट के साथ साथ आपको तमाम वायरलेस ऑपरेटर के सबका और मौजूदा पेपर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।